तो हेलो एंड वेलकम मेरा आज, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास दो ईयरबड्स हैं, दोनों के दोनों ANC सपोर्ट करते हैं एंड काइंड ऑफ बजट ओरिएंटेड ईयरबड्स हैं। एक है यहाँ पे बोट का ANC 411, दूसरे हैं डीजो के बर्ड्स जी प्रो। तो दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं एंड जाने माने ब्रांड के ईयरबड्स हैं। बोट 2000 रुपीज़ पे अभी अवेलेबल है, मे बी प्राइस लेटर ऑन चेंज हो जाए 2200 या लाइक 2500, बट डीजो के लिए अभी जो प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा 2600 रुपीज़। तो कंसिडरिंग दैट प्राइस पॉइंट हम इनको कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। तो चलेगा इस बिना किसी लेके ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इनका फिजिकल लुक, डिज़ाइन, ओवरऑल कम्फर्टेबल कितने हैं, साउंड क्वालिटी कौन से की आपको बेटर देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं जी। तो गाइज ये दोनों हैं डीजो बर्ड्स जी प्रो एंड बोट के लेटेस्ट एयरड्रॉप्स 411 प्रो। तो एक्चुअली कंपेयर करने का रीज़न ये है कि ये दोनों ANC के साथ आते हैं, प्राइस डिफरेंस स्लाइटली है लाइक 600 रुपीज़ का, बट जैसे मुझे पता है कि बोट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट सेल, अभी आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे एंड डीजो बर्ड्स जी प्रो आपको अवेलेबल है 2600 रुपीज़ में, बट स्टिल हमने इसका कंपेरिजन करना यहाँ पे वैलिड समझा। तो फर्स्ट थिंग दोनों ANC के साथ आते हैं, 25 dB ANC सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कंपेयर करते हैं लुक एंड डिज़ाइन से। तो गाइस लुक डिज़ाइन में काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये पूरा आपको ग्लोसी डिज़ाइन में मिल जाता है, डुअल टोन डिज़ाइन है, डीजो का लोगो एंड जो इंटरनल है वो आपका ऑरेंज कलर में दिया गया है। इवन जो आपके ईयरबड्स हैं वो भी आपको डुअल टोन डिज़ाइन ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा एंड कंप्लीट ग्लोसी डिज़ाइन यहाँ पे। तो रियली काफ़ी अच्छा दिखता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट स्क्रैच ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एंड ये जो है काफ़ी अच्छा दिखता है, लाइक लुक वाइज प्रीमियम दिखता है डेफिनेटली। तो लुक वाइज मैं डीजो को यहाँ पे मार्क्स दे रहा हूँ 10 में से 9.5, अमेजिंग लुक है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बट स्क्रैचेज आ जाएंगे ज़्यादा, तो मैं स्क्रैचेज वाइज इसको 8 मार्क्स दे रहा हूँ। देन अनदर हैंड हम बात करते हैं बोट के एयरड्रॉप्स 411 ANC की। तो यहाँ पे आपको प्योर मैट फिनिश मिलता है, ईयरबड्स पे भी आपको मैट फिनिश मिलता है, अंदर आपको ग्लोसी जो इनर सेक्शन है वो ग्लोसी मिलता है। तो लुक डिज़ाइन वाइज ये भी काफ़ी अच्छे हैं एंड जिसको मैट पसंद है वो मैट ले सकता है, ग्लोसी पसंद है वो ग्लोसी ले सकता है। तो लुक टोटली आपके ऊपर है, बट अगर मेरी बात है तो मुझे डीजो वाले काफ़ी पसंद है, ये नहीं है कि ये बेकार है, बट आपको कम स्क्रेचेज देखने को मिलेंगे बोट पे कंपेयर टू डीजो। देन फीचर्स के लाइक लुक डिज़ाइन के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीचर्स की, तो क्या क्या सिमिलर है दोनों ईयरबड्स में। दोनों 25 dB ANC सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे आते हैं, डुअल माइक्रोफोन है, IPX4 दोनों के दोनों यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, 10mm के ड्राइवर आपको मिल जाते हैं एंड क्या बैटर मिलता है इसमें डीजो में आपको मिलता है गाइस 88 ms लेटेंसी एंड एप्लीकेशन का सपोर्ट, रियलमी लिंक ऐप आप यूज़ कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे है। एम्बियंट मोड दोनों में है, बैटरी लाइफ भी डीजो में आपको बैटरी मिलेगी, 25 आवर का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, बट सिंगल टाइम चार्जिंग लाइक सिंगल टाइम में बैटरी की बात करें तो वो आपको बोट में बैटरी मिलती है यहाँ पे 5 आवर्स, यहाँ पे 5.5 आवर विदाउट ANC। तो कुछ इस टाइप के हैं एंड प्राइस डिफरेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो अभी के कंपेरेटिव आप अगर लेना चाहें तो मैं डेफिनेटली आपको बोट यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, बट यहाँ तो अभी तो जस्ट फीचर्स की बात हुई है, हाउ अबाउट इन ईयर फिटिंग, साउंड क्वालिटी, नॉइस कैंसिलेशन एंड अदर थिंग्स। तो गाइस दोनों के दोनों ईयरबड्स को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लुक, डिज़ाइन एंड डेफिनेटली डीजो बर्ड्स जी प्रो ऐसे हैं कि किसी को भी वो पसंद आएंगे, डेफिनेटली मेरे तो पर्सनल फेवरेट है अंडर 3000 रुपीज़, डुअल टोन डिज़ाइन, काफ़ी ग्लोसी फिनिश एंड कंफर्टेबल ईयर फिटिंग, स्मॉल टाइनी ईयरबड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो गाइस इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी कौन यहाँ पे विनर रहेगा वो हम चेकआउट करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आपको 10mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं, 10mm के ड्राइवर के अलावा सेम काइंड ऑफ नॉइस कैंसिलेशन दोनों में आपको देखने को मिलते हैं।
बट जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेजो में आपको बैटरी लाइफ स्लाइटली बेटर मिलेगी इन और ओल यूजेज। हाउ एवर सिंगल टाइम में आपको दोनों नेक टू नेक दिखेंगे एंड डेजो में स्लाइटली कम मिलती है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की, माइक्रोफोन क्वालिटी की एंड दोनों की कनेक्टिविटी की। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डेजो में साउंड प्ले करेंगे, फर्स्ट प्ले करेंगे इन ईयर। आप चेक कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कितनी वॉइस लीक हो रही है, देन आपको मैं वॉइस यहाँ पे सुना दूंगा। साउंड क्वालिटी डीजो वाले रियली अमेजिंग है, साउंड बेस काफ़ी आपको मस्त मिलता है एंड आई डोंट नो कि कितनी वॉइस लीक हो रही थी, बट जितनी मुझे वॉइस आ रही थी वो काफ़ी अमेजिंग थी। आप एम्बियंट मोड, आप बेस बूस्ट, नॉर्मल मोड वगैरह वगैरह चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद इन एप्लीकेशन एंड इवन द टच कंट्रोल आर अमेजिंग। टच कंट्रोल आपके वर्क करते हैं, बट जो टच कंट्रोल है वो मुझे यहाँ पे बेटर लगे बोट में, राइट। तो ये चीज़ें हैं। देन हम बात करें अगर बोट की साउंड क्वालिटी की, तो बोट की साउंड क्वालिटी तो गाइज ही है बोट के एयरडॉप्स 411, सेम ड्राइवर, सेम आपको नॉइज़ कैंसिलेशन मिलती है। एंड मैंने अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन की हुई, तो मुझे कौन सी की बेटर लगी नॉइज़ कैंसिलेशन, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि दोनों की दोनों सिमिलर हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट ये कम्फर्ट डीजो में स्लाइटली आपको बेटर मिलता है। तो चलिए गाइज हम यहाँ पर साउंड टेस्ट करते हैं बोट की। तो गाइज यहाँ पे दोनों के दोनों ईयरबड्स की साउंड टेस्ट हो गई है एंड साउंड टेस्ट का विनर कौन है, तो बेस का विनर जो है यहाँ पे है वो है बोट। रीज़न क्या है, क्यों बेस में ये जीता, क्योंकि मैंने डेजो में बेस बूस्ट ऑन नहीं किया हुआ था, नॉर्मल में ये विनर है, बट अगर बेस बूस्ट वहाँ पे ऑन होता देन डेफिनेटली जो डेजो वाले हैं वो आपको बेटर मिलते, बट एज ए नॉर्मल वॉइस वो स्लाइटली हायर है, बेस कम है, बट यहाँ पे आपको बेस हायर मिलता है एंड वॉल्यूम लेवल स्लाइटली कम मिलते हैं। तो दोनों नेक टू नेक है, 19-21 है, बट प्रीटी गुड। डीजो में रिकमेंड करूँगा, रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ पे आपको कम लेटेंसी देखने को मिलेगी, लाइक 88 ms की लेटेंसी मिलती है फॉर गेमिंग। एंड गेमिंग के अलावा अगर आप उसको नॉर्मली यूज़ करते हैं इवन म्यूजिक, तो आप डिपेंडिंग ऑन योर मूड बेस वगैरह स्विच कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, बट बोट में वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। तो उसके अलावा माइक्रोफोन क्वालिटी बोलूँ तो माइक्रोफोन क्वालिटी दोनों की काफ़ी अमेजिंग है एंड दोनों काफ़ी अच्छे हैं माइक्रोफोन क्वालिटी में। तो गाइस अगर मैं एक कंक्लूड यहाँ बताऊँ कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, देन डेफिनेटली मैं आपको अभी कंसिडरिंग दिस प्राइस पॉइंट बोट रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बोट में आपको स्लाइटली कम चीज़ें मिलते हैं, थोड़ा कंपनसेट करना पड़ता है, बट ओवरऑल ये वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स हैं एंड डेफिनेटली इनसे वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स आपको अंडर 2000 rupees नहीं मिलेंगे। नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है, साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, बेस अमेजिंग है, बैटरी लाइफ एवरेज है, लुक डिज़ाइन काफ़ी कुछ यहाँ पे मैटर करते हैं, सभी अच्छा है। बट अगर आप चाहते हैं थोड़े दिन बाद परचेज करना, मे बी इनका प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर 200 rupees का डिफरेंस है देन डेफिनेटली आप डीजो परचेज कीजिए, बोट को रहने दीजिए, क्योंकि यार इतना प्राइस डिफरेंस मैटर नहीं करता। अगर आप 2000 rupees स्पेंड कर रहे हैं तो 10% और स्पेंड करके थोड़ा बेटर ईयरफोन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लुक एंड डिजाइन, बट अभी के लिए बोट मेरी चॉइस है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से आप परचेज करना चाहेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।